वेलकम टू द पोलर साइंस स्टूडेंट्स। आज का हमारा टॉपिक है जेल लिंकेज। हर ऑर्गेनिज्म जो है उसके अंदर बहुत सारे कैरेक्टर्स पाए जाते हैं और ये कैरेक्टर्स जो है उसके अंदर जो थाउजेंड्स ऑफ जीन्स पाए जाते हैं वो कंट्रोल करते हैं। यानी किसी भी ऑर्गेनिज्म का कैरेक्टर उसके अंदर मौजूद जीन्स जो है वो कंट्रोल करता है। बट क्रोमोसोम की तादाद जो है वो उस ऑर्गेनिज्म के अंदर लिमिटेड होती है। हर क्रोमोसोम के अंदर बहुत सारे जीन्स जो है वो पाए जाते हैं। तमाम जीन्स जो है वो सेम क्रोमोसोम पर जब लिंक्ड होते हैं तमाम जीन्स जो है वो जब एक क्रोमोसोम के ऊपर पाए जाते हैं तो वो एक दूसरे के साथ लिंक्ड होते हैं, यानी एक दूसरे के साथ जुड़े हुए होते हैं। तो इस फिनोमिना को, जिस फिनोमिना में एक क्रोमोसोम के ऊपर बहुत सारे जीन्स जो हैं वो इकट्ठे स्टे करते हैं, इसको हम लिंकेज कहते हैं। जीन लिंकेज जो है ये फिजिकल करैक्टर होता है बिटवीन जीन्स, यानी जीन्स के दरमियान में फिजिकल जो कनेक्शन होता है, जो फिजिकली वो एक दूसरे के साथ जुड़े हुए होते हैं, इसको बोलते हैं जीन लिंकेज। एक क्रोमोसोम के ऊपर जब बहुत सारे जीन्स जो हैं वो सेम टाइम पे पाए जाते हैं तो उस जीन्स के ग्रुप को हम बोलते हैं लिंकेज ग्रुप। लिंकेज ग्रुप की तादाद जो है वो डिपेंड करती है क्रोमोसोम के होमोलोगस पेयर्स की तादाद के ऊपर। यानी क्रोमोसोम जो है उसके जितने पेयर्स होंगे उतने ज़्यादा जीन लिंकेज ग्रुप्स जो हैं वो उसके ऊपर पाए जाएंगे। मैन के अंदर, यानी हमारे अंदर, ह्यूमंस के अंदर जो है वो 23 लिंकेज ग्रुप होते हैं। अब यहाँ पर डिफरेंट जो है वो डिजीज़ के बारे में आपको बताया गया है कि जीन्स जो हैं अगर कलर ब्लाइंडनेस के लिए हो, हेमोफीलिया के लिए हो, या फिर गॉट यानी गोइटर की जो डिजीज़ होती है उसके लिए हो, तो ये ह्यूमन के एक्स क्रोमोसोम के ऊपर जो है वह सारे इस डिजीज़ के जीन्स लिंक करते हैं। इसी तरह अगर हम देखेंगे सिकल सेल एनीमिया की जो जीन्स होते हैं, ल्यूकेमिया के जो जीन्स होते हैं और एल्बिनिज्म के जो जीन्स होते हैं, वो क्रोमोसोम 11 जो ह्यूमन का होता है उसके ऊपर जो है वो लिंक्ड होते हैं और लिंकेज ग्रुप बनाते हैं। लिंकेज जीन्स जो हैं जो कि एक दूसरे के साथ बहुत ही क्लोज होते हैं, वो मेंडल का जो लॉ है इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट उसको फॉलो नहीं करते, क्योंकि जो है वो एक दूसरे के साथ मियोसिस के दौरान असॉर्ट नहीं करते, सेपरेट नहीं होते, बल्कि जनरेशन टू जनरेशन आके पेयर फॉर्म में ट्रांसफ़र होते रहते हैं। जीन लिंकेज जो है वो मिनिमाइज कर देता है जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन के चांसेस को, और इसके अलावा ऑफस्प्रिंग में जो वेरिएशंस होते हैं उनके चांसेस को भी ये कम कर देता है। तो ये था हमारा आज का टॉपिक।